दोस्तों जय हिंद। एक्चुअली ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न में से है। आपको पता होना चाहिए कि युद्ध से संबंधित जो युद्ध अभ्यास होता है विभिन्न देशों के साथ, उससे संबंधित प्रश्न पूछता रहता है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत जो है और भारतीय वायुसेना और ओमान की वायुसेना जो है उसका एक युद्ध अभ्यास हुआ है। कहाँ पर वो हम सब देखेंगे, ठीक है। ओमान के बारे में भी थोड़ा जान जाएंगे, ठीक है। और अंतिम में एक प्रश्न भी देंगे आपको, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्या है भारतीय वायुसेना और ओमान की, भारतीय वायुसेना ने ओमान के मसीरा में, पहली बात ये कि भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, भारतीय वायुसेना और ओमान की एयरफोर्स, ठीक है, दोनों के एयरफोर्स जो है वो कहाँ पे, ओमान के मसीरा में रॉयल एयरफोर्स के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक युद्ध अभ्यास था किसके साथ, तो भारतीय वायुसेना के साथ, ओमान का वायुसेना के साथ, ठीक है। उन दोनों का एक अभ्यास था जिसका नाम क्या है, ईस्टर्न ब्रिज 7। हुआ कहाँ पे, तो ओमान में। ओमान में कहाँ पे, तो मसीरा में, ठीक है। पूछा जा सकता है प्रश्न कि ये वायुसेना किसके साथ हुआ है, कौन सा, तो ईस्टर्न ब्रिज 7, नंबर एक प्रश्न। दूसरा पूछा जा सकता है ये हुआ कहाँ पे है, तो ओमान में। ओमान के कहाँ पे, तो मसीरा में, ठीक है। कभी ऐसे भी पूछता है प्रश्न कि किस सेना का हुआ, जैसे वायुसेना, एयरफोर्स हो, नेवी हो, थल सेना हो, तो याद रखना ये वायुसेना अभ्यास है, ठीक है, जिसमें कौन कौन भाग लिया है। तो भाग लिया है भारतीय वायुसेना के साथ MiG-29 जो उसका विमान है वो, और जेगुआर विमान लिया है। भारतीय वायुसेना का कौन सा, तो MiG-29 और जेगुआर। और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, ओमान की वायुसेना की तरफ से कौन भाग लिया है, तो F-16 और हॉक। ये भी पूछा जा सकता है, हालांकि ये बहुत कम रेयर है पूछा जाएगा आपको, लेकिन याद रखना है MiG-29 और जेगुआर, और ओमान की तरफ से कौन लिया है, तो F-16 और हॉक, ठीक है। अभी ओमान के बारे में थोड़ा सा जान लें अगर, तो ओमान जो है ना वो सऊदी अरब का खाड़ी देश है, एशियाई कंट्री है वैसे तो, है ना, एशियाई का ही देश है ये सऊदी अरब है ना, और ये है ओमान, ठीक, ये तटीय देश है, ठीक, तो वैसे ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके जो, इसकी जो करेंसी है या इसकी जो राजधानी है, तो राजधानी कहाँ, मस्कट। इसकी जो करेंसी है उसका नाम क्या है, तो ओमानियन रियाल, ठीक है, ओमानियन रियाल। यहाँ के जो सुल्तान है उनका नाम क्या है, है ना, ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना है, हैथम बिन, हैथम बिन तारिक, जो सुल्तान होते हैं वही यहाँ के प्रमुख होते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, मिलते हैं फिर, जय हिंद।